मुंबई के विक्रोली पार्क साइड में सालों से पानी की परेशानियों से लोग लड़ रहे हैं। पानी की समस्या इस कदर लोगों को परेशान किए हैं कि लोग अपने दिनचर्या के दो काम भी आसानी से कर नहीं सकते। कभी उनकी पानी के आने का समय, कभी पानी ना आने की परेशानी, तो कभी पानी के ठेकेदार उन्हें पानी की पाइपलाइन के नाम पर बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। लीगल इनलीगल के नाम से पैसों की ठगी तो न जाने कब से चल रहा है। मेरा नाम शबीना सिद्दीकी है और अंबिका नगर में रहते हैं। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे पानी को लेकर? पानी का मसला है, पानी अच्छा नहीं आता है, गंदा आता है, और जब साफ आता है तो टाइमिंग मालूम नहीं पड़ती है। क्या टाइमिंग है? क्या टाइमिंग नहीं है, कुछ कोई नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है। सुजाता है मेरा नाम, सुजाता जबाजी, अंबिका नगर में रहती हूँ। और पानी गंदा पानी आता है, बास वाला पानी आता है, पैसा बास आता है तो मालूम भी नहीं पड़ते, और गटर का पानी भी आता है नल में। क्या कहेंगे आंटी आप? वही तो, पानी इतना आता गंदा था, बच्चे भी बीमार पड़े हो, एक तो बारिश के दिन है पहले ही। और जरा पानी ऐसे बास वाला आता कि गटर के बास आते हैं, साफ होते होते थोड़ी देर पानी आता नहीं, पानी फिर गंदा चला जाता। पानी कहीं पानी बहुत गंदा आता, लगा दिए कि 5 मिनट खाली अच्छा है कि उसमें टाँटी में गंदा पानी चढ़ जाता, हम लोग को पूरा गंदा ही पानी वहाँ पड़ना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे? वही पानी पड़ रहा है, यही कनेक्शन तो बहुत गंदा पानी आता है, कब साफ आके टाकी में गंदा चढ़ जाता है समझ में ही नहीं आता है। ऐसा लगा है कि 2 मिनट खाली साफ आए ना, फिर बाद में गंदा चढ़ जाता है टाकी में। तो यहाँ पे पानी की मसला जो है 2 साल से है, 2 साल से कोई यहाँ पे कोई सुनने वाला भी नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा गंदा आता है, बच्चे तो वो पानी को पी भी नहीं सकते, ऐसा गंदा आता है। और कोई भी नंबर साफ आता है, और साफ आता है तो सिर्फ 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। 15 से 20 मिनट में सिर्फ 10 मेंबर यहाँ पे दो लाइन है, जैसे एक नल है 15 से 20 मिनट आता है, यहाँ पे 20 ऑलमोस्ट 9 मेंबर है, 9 घर है, 15 से 20 मिनट में 9 घर है। और वो तरफ जो दूसरा नल है वहाँ पे भी 10 से 12 घर है, और सेम 20 मिनट पानी आता है, साफ पानी। मेरा नाम बीना खान है और मैं अंबिका नगर में रहती हूँ। तो जो पानी आ रहा है ना फिलहाल, मेरा घर भी बहुत है। बोलिए आप। बोलिए बोलिए, मेरी बहुत छोटी बेटी है जिसकी वजह से मैं भी अगर गंदा पानी पीती हूँ तो उससे मेरी बेटी की भी तबीयत खराब होती है। ऐसे यहाँ पे और भी घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वही पानी का मसला है, जो गंदा आ रहा है, 15 मिनट्स आता है, 10 मिनट्स आता है, बच्चा अगर रोने लगता है तो फिर उसमें इंसान पानी कैसे भरेगा, तो ये इशू है। तो हम लोग से मतलब रिक्वेस्ट है कि सिराज भाई आए हैं इतना हम लोग के लिए, तो एक रिक्वेस्ट है कि वो इस मसले को सॉल्व करे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो एक अकेले अगर सॉल्व करते तो वो एक जन का सॉल्व नहीं करेंगे, वो पूरे मतलब जो भी एरिया है उनका सॉल्व करेंगे। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है भाई, आप कर दीजिए ज़रा सा प्लीज़। सिराज भाई क्या कहना चाहेंगे? अलग अलग एरिया में हम लोग घूम रहे हैं, अलग अलग समस्या है यहाँ पर, किस तरीके से सारी चीज़ों को देखते हैं? बहुत दुख की बात है, बहुत कि एक ये ऑफिशियल मीटर का लाइन है, यहाँ बाकायदा BMC का मीटर लगा हुआ है, लेकिन पानी का हालत आप देखें, आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि पानी का क्या हालत है, पानी आता नहीं है, आता है गटर वाला पानी आता है, गंदा पानी आता है, और 15 मिनट रहता है उसमें 10 मिनट तो गंदा पानी निकलने में चले जाता है, 5 मिनट में 10 मेंबर कैसे भरेंगे बताइए। मैं आपके माध्यम से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी को, वाटर डिपार्टमेंट वाले को सूचित करना चाहूँगा कि वो आके कभी इस पानी से खाली पानी पियो मत आप उसको खाली अपने चेहरे पे खाली लगा लो, धो लो अपना चेहरा, धो लो तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो हम लोग को पी भी लेंगे। अगर आप उस पानी से मुँह धोते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मुँह धोएंगे तो हम पानी पियेंगे, अगर आप मुँह भी नहीं धो सकते तो हम पानी कैसे पियेंगे। इतना गंदा पानी आता है, इतना स्मेल आता है पानी में, उसमें ऑयल आता है, गंदा पानी आता है, गटर का पानी आता है, बास आता है, इतना लिटरली। और बच्चे यहाँ पर कई बच्चे बीमार हो चुके हैं, उनको भी कभी काफ़ी टाइम हॉस्पिटल हम लोग ने एडमिट कराया, मेरे पास ही लोग आए तकरार लेके, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुका हूँ। लेकिन ऐसा लगता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो है पूरा प्रशासन जो बिल्कुल सोया हुआ है, और वो खाली बटोरने के पीछे ही पड़ा हुआ है, काम करना उनको दिल नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसके ऊपर कुछ करें, यहाँ पर भी इंसान लोग रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहते हैं, जो आप इस तरीके का पानी लोगों को पिला रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनंती है महानगर पालिका के अधिकारियों से कि वो इस तरफ आए, देखें और इस पर हल करें, वरना ये सारी मेरी बहनें सब लोग मिलके वार्ड ऑफिस में जाके हर एक को एक एक गिलास पानी पिलाएंगे।
और इसकी कंप्लेंट मैंने दो मरतबा किया हूँ, तीन मरतबा किया मैंने खुद, और हम लोगों ने और इन लोगों ने जो पर्सनली किया वो अलग है। मैंने खुद तीन मरतबा कंप्लेंट किया, 2020 में किया, 2021 में किया, अभी 23 में भी किया, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है। जब कंप्लेंट करने जाएंगे तो बोले मैडम बाहर है, साहब बाहर है, फला जगह काम चल रहा है, ये मीटर का काम चल रहा है, उसका काम, तो मतलब तुम लोग काम चलते रहेंगे तब तक ये लोग यहाँ पर पानी पी पी के मरते रहेंगे। अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट बता दे तो हम लोग पी पी के मरेंगे, हमारे जितने भी लाशें निकलेंगे हम आपके पीएमसी में लाके वहां पर छोड़ेंगे, आप लोग उसका अंतिम संस्कार जो भी करना आप करो। वही बड़े नाले की सफाई और उसके ऊपर बने ब्रिज जो इतने खराब हालत में है कि अगर वो टूटे ब्रिज के सलिए से सरकते हुए कोई नीचे गिर जाए तो बरसात में उस इंसान का पता लगना ही नामुमकिन होगा। ऐसे में ना बीएमसी और ना ही वहां का प्रतिनिधित्व करने वाले को कोई फर्क पड़ रहा है। क्या केवल किसी बड़ी अनहोनी होने के बाद ही ये लोग जागेंगे या उसके पहले भी कोई काम पाक साइट के लोगों के लिए किया जाएगा? पहले 2022 में 16 तारीख को 16 फरवरी को हमने एक कंप्लेंट एनवॉर्ड में भी दी थी कि यहाँ पर जो है गटर जाम है, चौक है, कचरा भरा हुआ, साथ में यहाँ पर एक जाली है जो सेफ्टी के लिए लगाई गई है। वो जाली का यह हाल है कि कोई भी आदमी रात के टाइम अंधेरा होता है, कई बच्चे भी यहाँ से गुजरते अक्सर देखा रहेगा, अभी अपने छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी यहाँ से आते जाते हैं, वो गिरने का काफ़ी चांस रहता है, काफ़ी अंदेशा रहता है। हमने म्यूनसिपल कमीशन को भी ट्वीट किया, उसके अलावा बीएमसी एनवर्ड के असिस्टेंट कमिश्नर सोनोने साहब थे, उनको भी लेटर लिखा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने भी लेटर लिखा, लेकिन बीएमसी के कानों में कोई जूर इनकी नहीं है। कोई भी बीएमसी के अधिकारी कुछ काम करना चाहता ही नहीं है, उनको बस खाली इलीगल कहाँ बन रहा है उसके ऊपर से कहाँ से पैसे निकाला जाए, कहाँ पर तोड़ फोड़ किया जाए, और ऑफिशियल पे कोई काम करना नहीं है, लोगों की सेफ्टी के ऊपर कोई काम नहीं करना है, लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करना है, सिर्फ कितने कौन सी फाइल पे कितना परसेंटेज उनको मिले वो चक्कर में ही रहते हैं। तो मैंने इसके पहले भी निवेदन किया आपके माध्यम से, मैं इस बार फिर कहूँगा म्यूनसिपल कमीशनर साहब से कि आप इसके ऊपर ध्यान दें, आपके नीचे के अधिकारी उसको ऑर्डर करें, बीएमसी साहब से बोलूँगा, वार्ड ऑफिसर साहब से कहूँगा कि इसके ऊपर ध्यान देंगे, इमीडिएटली ये लादी जो ग्रिल लगी हुई है इसको बदली किया जाए, इसको दूसरा नया ग्रिल लगाया जाए ताकि यहाँ पर से फिर से कोई ऐसा हादसा ना हो। इसके पहले भी 2022 में 21 में यहाँ पर से लोग बह के पानी के बहाव में निकल गए हैं, आज तक उनकी बॉडी नहीं मिली है, तो ऐसा फिर से कोई मौका ना आए, ऐसा फिर से कोई मसला ना खड़ा हो, इसके ऊपर मैं निवेदन करूँगा कि इसके ऊपर काम किया जाए। अगर अब भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ना जागी तो हम कॉरपोरेशन का घेराव करेंगे और कॉरपोरेशन में जाके उनके घरों में, उनके ऑफिस में ले जाके यहाँ का कचरा ले आके हम डालेंगे। ये मेरा चैलेंज है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को।